हेलो गाइज, मैं स्कोतम गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, ये वीडियो है टैली अकाउंटिंग पार्ट 7 की, जिसमें कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ बैलेंस शीट में लोन लायबिलिटी ग्रुप होता है तो उसमें कौन कौन सी एंट्रीज की जाती हैं। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइज़, मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले मैं आपको एक्सेल पर एंट्रीज़ को समझाऊंगा, फिर उसके बाद में आपको टैली ईआरपी 9 में एंट्रीज़ को करके बताऊंगा। ठीक है गाइस, तो मैंने एक्सेल शीट पर एंट्रीज़ की हुई हैं जो कि आपको समझनी है। तो गाइस चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये है अकाउंटिंग पार्ट 7, लोन लायबिलिटी एंट्री इन टैली ईआरपी 9। सबसे पहले मैं बात करूँगा सिक्योर्ड लोन की। सिक्योर्ड लोन हमारे कौन से लोन होते हैं, जो कि हमारे बैंक या वित्तीय संस्थाओं से जो लोन लेते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे सिक्योर्ड लोन। और अनसिक्योर्ड लोन कौन से होते हैं, बैंक या वित्तीय संस्थाओं को छोड़कर, मतलब कि इंडिविजुअल। ठीक है, मैं आगे आपको और बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। तो गाइस, इसकी जो एंट्री होगी, सबसे पहले आपकी जो एंट्री होगी वो होगी रिसीव की। आपने लोन रिसीव किया है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट, जैसे मान लीजिए 5 लाख रुपये है, टू HDFC बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो बैंक हमारा बढ़ रहा है इसलिए डेबिट हो रहा है, और लायबिलिटी हमारी क्रेडिट होती है इसलिए HDFC बैंक हम क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, और किस में होगी ये, हमारी रिसिप्ट वाउचर में, आगे मैं टैली में बताने वाला हूँ आपको। अब बात करते हैं EMI पेमेंट एंट्री। तो HDFC बैंक अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट पेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो बैंक हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है इसलिए हमारा क्रेडिट हो रहा है बैंक, और जो हमारी लायबिलिटी है वो भी हमारी कम हो रही है तो इसलिए डेबिट हो रही है, बढ़ेगी तो हमारी क्रेडिट होगी। ठीक है, अब बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन रिसीव एंट्री की। यदि आपने अनसिक्योर्ड लोन रिसीव किया है तो उसमें एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू राज शर्मा अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, 5 लाख रुपये। अब बात करते हैं EMI पेमेंट एंट्री की। तो इसी प्रकार जैसे कि ऊपर HDFC बैंक, तो यहाँ पर राज शर्मा अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट पेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, इसी प्रकार हम एंट्री करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलते हैं टैली की तरफ, टैली ओपन करते हैं और टैली में आपको ये पूर्णतः समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले जो एंट्री करेंगे वो करेंगे हम बैंक लोन रिसीव की एंट्री। तो रिसीव करेंगे तो किस वाउचर में एंट्री होगी, रिसिप्ट वाउचर में। आपको ओपन कर लेना है रिसिप्ट वाउचर, अकाउंट में आपका बैंक का नाम आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा HDFC। मैं इसे डबल एंट्री मोड में कर लेता हूँ जिससे कि आप समझ सकें। तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, और HDFC बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो HDFC जो बैंक है वो किस में आएगा, हमारा सिक्योर्ड लोन में, ठीक है। तो OBC बैंक 5 लाख रुपए, बैंक डेबिट हो जाएगा और लायबिलिटी हमारी क्रेडिट हो जाएगी, और इसमें नेशन लिखकर इस वाउचर को सेव कर देंगे। अब बात करते हैं EMI पेमेंट एंट्री की। आपने लोन तो रिसीव कर लिया बट आपको EMI की पेमेंट भी करनी होगी, तो इसकी एंट्री किस में करेंगे हम, ये करेंगे पेमेंट वाउचर में। किस में करेंगे, पेमेंट वाउचर में। तो HDFC बैंक अकाउंट डेबिट 22,164 रुपये। तो गाइज ये तो होगी प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट पेड, और जो इस पे इंटरेस्ट है मंथली तो उसकी ये वाली होगी एंड, इसमें इंटरेस्ट पेड का हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो ये आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो हम इंटरेस्ट पेड करेंगे वो है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, तो 17,000 रुपये। तो गाइस प्रिंसिपल अमाउंट और आपकी इंटरेस्ट अमाउंट, बैंक जिससे आप बैंक लेंगे वही इसकी अमाउंट निर्धारित करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक हमारा कम हो रहा है इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर रहे हैं, लायबिलिटी हमारी कम हो रही है तो इसलिए हम उसे डेबिट कर रहे हैं। लायबिलिटी वैसे क्या होती है, क्रेडिट, ठीक है, ये हो गई। अब एक बार हम बैलेंस शीट में
सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चेक करेंगे। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं इंटरेस्ट पेड हमारी 17,000 रुपये का जो इंटरेस्ट की अमाउंट है इसमें आ चुकी है। 17,000 रुपये जो इंटरेस्ट है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। अब चलते हैं बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट में हमारी सिक्योर्ड लोन में यह अमाउंट आ जाएगी। एक तो 5,00,000 रुपये जो हमने लोन रिसीव किया है, दूसरा हमारी प्रिंसिपल अमाउंट 22,164 रुपये, ठीक है। 22,164 रुपये जो प्रिंसिपल अमाउंट है, अब ये तो हो गई जो हमने लोन रिसीव किया है, ठीक है। फिर तो उसके बाद फर्स्ट ईएमआई की जो पेमेंट करी है 22,164 रुपये की, तो 22,164 रुपये हमारे सिक्योर्ड लोन में शो होंगे और हमारे 17,000 रुपये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो कि हमने इंटरेस्ट पेड किया है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे ही आप ईएमआई की पेमेंट करते जाएंगे, ऐसे ही इसी प्रकार आपकी जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कम होता चला जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 5,00,000 रुपये है, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस, और जैसे ही हमने ईएमआई की पेमेंट की है तो वो कम होता जा रहा है। अब बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन की। तो अनसिक्योर्ड लोन भी इसी प्रकार एंट्री होगी जैसे कि हमने सिक्योर्ड लोन की है। तो सबसे पहले हम करेंगे रिसीव एंट्री रिसिप्ट वाउचर में, ठीक है। तो राज शर्मा, इसका लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं, ये पर ऑल्ट प्लस सी दबाएंगे। तो राज शर्मा अंडर किसके आ जाएगा, अनसिक्योर्ड लोन के अंडर ग्रुपिंग में जो आएगा वो आएगा अनसिक्योर्ड लोन 5,00,000 रुपये। सपोज़ दैट हमने 5,00,000 रुपये का अनसिक्योर्ड लोन लिया है राज शर्मा से। नीचे हमारा बैंक, ठीक है, बैंक को हम डेबिट कर देंगे। ये तो होगी रिसिप्ट की एंट्री। अब बात करते हैं अनसिक्योर्ड ईएमआई पेमेंट एंट्री। तो ये भी हमारी पेमेंट वाउचर में होगी जैसे हमारी सिक्योर्ड लोन की हुई थी। राज शर्मा अकाउंट डेबिट 22,164 रुपये। तो गाइस सिर्फ और सिर्फ ये एक एग्ज़ाम्पल है जो आपको बैंक के द्वारा इसकी जो भी आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा उसी के अनुसार आपको ये एंट्री करनी होगी। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ इसमें एंट्री कैसे होगी, आपको एंट्री पर ध्यान देना है। तो राज शर्मा अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट पेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है, 39,164 रुपये। तो गाइस इसी प्रकार ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जो इसका, और इसके बाद हम नेशन लिखकर इसको सेव करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ओबीसी बैंक हमारा बैंक अकाउंट में आ जाएगा, इसकी डिटेल बाकी फिल कर लेंगे आप लेज़र में, ठीक है। राज शर्मा हमारा अनसिक्योर्ड लोन है तो अंडर ग्रुपिंग अनसिक्योर्ड लोन में आ जाएगा। इंटरेस्ट पेड हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस में आ जाएगा और ओबीसी बैंक हमारा बैंक अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पर बाकी जितनी भी इसकी डिटेल्स हैं वो फिल कर लेंगे, उसके बाद नेशन लिखकर इस वाउचर को हम सेव कर देंगे, ठीक है गाइस। तो चलते हैं एक बार फिर इसका इफ़ेक्ट देखते हैं, इस एंट्री का क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। तो ये हमारा अनसिक्योर्ड लोन है तो अनसिक्योर्ड लोन हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारे जो हमने 5,00,000 रुपये लोन रिसीव किया है तो वही एंट्री आ रही है क्रेडिट साइड में, ठीक है, क्योंकि लायबिलिटी हमारी क्रेडिट होती है। तो इसी प्रकार जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है 22,164 रुपये वो तो हमारी शो होगी किस में, हमारी अनसिक्योर्ड लोन में। बट हमारा जो इंटरेस्ट पेड किया हमने 17,000 रुपये वो किस में होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारा शो होगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इंटरेस्ट पेड 17,000 रुपये, एक तो हमने सिक्योर्ड लोन की थी और एक हमारा इंटरेस्ट जो था वो था अनसिक्योर्ड लोन का, तो दोनों ही इसमें हमारे शो हो रहे हैं। 17,000 रुपये की एंट्रीज वही है जो हमने की थी, ठीक है गाइस। तो इसी प्रकार आपको लोन एंड लायबिलिटी की एंट्रीज करनी है जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में आपको बताई है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और गाइस यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के लिए।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।